जय प्रभु शैक्षिक संस्थान की तरफ से आज से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। आज हम क्लास फोर्थ का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, द ग्रीन प्लांट्स। और द ग्रीन प्लांट्स में जो पहला पॉइंट आता है वो है लीव्स। द ग्रीन प्लांट्स मीन्स हरे पौधे और लीव्स। अब हम पत्तियों की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। पत्तियों का कार्य क्या है, पत्तियाँ खाना कैसे बनाती हैं, पत्तियों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, अब हम एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों पे चर्चा करते चलते हैं। पहली बात हम चलते हैं पत्तियों के पार्ट्स पे, पार्ट्स ऑफ लिप्स। तो पार्ट्स ऑफ लिप्स, लिप्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिप्स अपेक्स। ये आप सबने पत्ती देखा हुआ होगा, तो पत्ती में जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये जो निकला हुआ पार्ट होता है, उसको हम लिप्स अपेक्स बोलते हैं। देखिए, आपको पार्ट सारे इंग्लिश में बताया जा रहा है, लेकिन आप पत्ती को आसानी से लिप्स को आप समझते हैं। चलिए, आप एक पत्ती हाथ में रख सकते हैं, आप पत्ती हाथ में ले सकते हैं, जिससे हम सारे पार्ट्स को उसको इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड जान जाए, उन पार्ट्स का कार्य क्या है, उन पार्ट्स का वर्क क्या है, हम उसको भी जान जाए। तो ये जो सबसे आगे का भाग होता है, ये जो स्टार्टिंग का भाग होता है, इसको बोलते हैं लिप्स अपेक्स। दूसरी बात हम करते हैं, ये जो कॉर्नर होता है पत्तियों का, जो किनारा होता है, ये आप देख रहे होंगे जो पत्तियों का किनारा होता है, इसको बोलते हैं लिप्स ब्लेड। ब्लेड इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो किनारा होता है, देखिए आप, बिल्कुल ब्लेड की तरह होता है, एकदम शार्प होता है। कभी कभी देखिए कुछ ऐसे भी पेड़ों की पत्तियां होती है जो हाथ को काट देती हैं, गाँव में अक्सर शरबत वगैरह होते हैं, तो ये ब्लेड का काम करती है, इसलिए इसका नाम लिप्स ब्लेड। फिर हम बात करेंगे जो पत्तियों में जो मेन शाखा निकली होती है, जो एकदम मेन वाली वो होती है, उसको हम बोलते हैं मिड रिप। देखिए, मिड मतलब बीच का, रिप जो ये मेन शाखा होती है, ये वाली जो सबसे मोटी दिख रही होगी, हम इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये जो सबसे मोटी वाली है, ये है आपका मिड रिप्स। ये मिड रिप्स क्या करता है, ये मिड रिप्स के थ्रू ही सारे वाटर और सनलाइट में जो भी भोजन बनाती है पत्तियां, वो सारी शाखाओं में लेके जाती है। फिर हम बात करेंगे साइड बेरिस। अब आप देखिए कि ये जो भोजन लेके आएगा, वाटर लेके आएगा, CO2 लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, वो पूरे पत्ती में कहाँ से फैलेगा, वो पूरे पत्ती में इन्हीं के थ्रू फैलेगा। ये जो बने हुए हैं आप पत्तियों में देखेंगे तो छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, इन्हीं के थ्रू फैलाएगा, उसको हम बोलते हैं साइड बेरिस। अब सबसे इसमें देखिए, ये जो सबसे लास्ट में निकला होता है लीफ स्टार, ये वो पार्ट होता है जो जाकर के तने से ऐड होता है, पौधे के तने से जो ऐड होता है वो होता है साइड स्टार, जो यहाँ पे बना हुआ है। और ये सब होने के बावजूद भी पत्ती में एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। ये वो पार्ट है जहाँ पे पत्तियां अपना भोजन बनाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पत्ती होती है उसे प्लांट्स ऑफ किचन बोला जाता है। जो पौधे का पूरा भोजन बनता है वो पत्ती में बनता है। पत्तियां क्या करती हैं, सनलाइट से, क्लोरोफिल से, इन दोनों को आपस में ऐड करती हैं, और CO2 लेती हैं एटमॉस्फेयर से, CO2 जमीन से वाटर, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाती है। और उनका भोजन जिस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं सुगर। हम लोग घर पे ग्लूकोज जो लेते हैं वो वही वाला ग्लूकोज है, सुगर। और ये ऑक्सीजन को बाहर निकालती है, ऑक्सीजन भी हम लोग इन्हीं से प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टोमेटा जो है वो पत्ती का पूरा भोजन बना रहा है यहाँ पर, और ये पत्ती जो है पूरे प्लांट्स का भोजन बना रही है। इसलिए पत्ती को हम बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट्स, जहाँ पर पूरे पौधे का भोजन बनता है उसे हम किचन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। और देखिए, इस CO2 के प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 को वाटर पानी के प्रेजेंस में, और सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से ये अपना भोजन तैयार करके सुगर और ऑक्सीजन के रूप में। ये आपका पहला चैप्टर था क्लास फोर्थ का, जिसका हमें से थोड़ा सा इंट्रो दिया है। अब बाकी हर नए एक नए नए चैप्टर से ऐड किए जाएंगे और आपको पढ़ाया जाएगा, और एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया जाएगा। और थैंक यू।